18 मार्च 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे मोस्ट बिलवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फ्रिज क्या है? उत्तर, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पापात्मा किसने बनाया यह समझ देना तुम बच्चों का फ्रिज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाए ज्ञान रत्न चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। गीत, प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। बाप परमपिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते यह पशु पक्षी आदि सारी रचना वह रचते हैं। परंतु समझाना चाहिए, पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परमपिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं? मनुष्य ही उनको बाप कह बुलाते हैं क्योंकि दुखी है। सभी उस एक रचिता को याद करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचिता कौन है। वह रचिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को न अपना न बाप का परिचय है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझे कि हम किसकी संतान है। हम परमपिता परमात्मा की संतान है। वह बाप रचिता है तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे यह हो नहीं सकता। जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं जो बाप स्वर्ग रचता है, तो हम भी वहां होने चाहिए या परमधाम में होने चाहिए। परंतु हमको यहां पाठ बजाने आना पड़ता है। यह है विचार सागर मंथन करने की युक्तियां। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते नहीं है। रचिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वह निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का घर, जहां बाप भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग न होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं या धारणा नहीं हो सकती है। बाप को याद नहीं करते। भगवान तो एक ही है। वह है मोस्ट बिलवेड स्वर्ग का रचिता। वहां बहुत सुख है। यहां दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सत्युग त्रेता को कहा ही जाता है सुखधाम। अभी है कलयुग, इनके बाद फिर सत्युग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को बैठ समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है बाप द्वारा। मनुष्य उस मोस्ट बिलवेड बाप को जानते नहीं। बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं। हमने बाप को जाना है तो उनको याद करते हैं। वह बेहद का बाप है सभी आत्माओं का। वह निराकार इस साकार प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणिया भी है। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परमपिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब अल्फ याद पड़े तब फिर आगे समझ सके। अल्फ बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वह भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे। इन्हों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वह बेहद का बाप स्वर्ग का रचिता है। जरूर नर्क का भी रचिता कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है तो
तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई एक होगा। यह अच्छी रीति समझाना है। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं? रावण को तो याद नहीं करेंगे। मनुष्य तो न पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते, न पतित बनाने वाले रावण को जानते, बिल्कुल ही अनजान है। फॉर्म भराने समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, यह प्रश्न और कोई पूछ न सके। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना? पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं, फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं? यह जरूर समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचेता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो? वह तो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए? सर्वव्यापी है, फिर तो यह बात नहीं उठती कि परमपिता परमात्मा आओ। सर्वव्यापी है, फिर तो उसको याद करने की भी दरकार नहीं। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं। ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना? हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया है। ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर ऊंच होगा। ब्रह्मा वल्द परमपिता परमात्मा शिव। वह है आत्माओं का पिता, वह है प्रजापिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रत्न देने हैं। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्न चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बेर चुगाते हैं। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही हैं। पत्थर को पूछते पूछते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है, इनके लिए गायन है सबकी मनोकामना पूरी करने वाली, अविनाशी ज्ञान रत्न दान करने वाली गॉडेस ऑफ नॉलेज। उन्होंने फिर सरस्वती को बैंजो दे दिया है। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता है। पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, वह बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी हिचका तो आबरू इज्जत चली जाएगी। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको बाप का परिचय दे सको। सर्विस करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत से हुए हैं। वह कोई की सद्गति तो कर नहीं सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सद्गति हुई नहीं है। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच न सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है? ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं, रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं, उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ यह है। यह यज्ञ तो बहुत समय चलता है। उन्हों का तो करके मास भर यज्ञ चलेगा। यह तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीजें हैं, वह खत्म होनी है। यह सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। जब सबके शरीर स्वाहा हो तब सभी आत्माएं वापस परमधाम जाएं। जब तक बाप न आए तो पतित से पावन कैसे बने? माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे? कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए खुद मालिक ही आते हैं।
ऐसे नहीं सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते हैं, वह तो आते हैं, हम उनकी संतान पोत्रे हैं, वास्तव में हो तुम भी। अब वह बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम हैं राजयोग ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि का वजन भारी है या राजऋषि का वजन भारी है, वह है सब भक्ति मार्ग की बातें और यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है, एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र, दूसरे तरफ है एक ज्ञान की गीता, तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राजऋषियों की, हठयोगियों के तो बहुत शास्त्र हैं। एक तरफ वह सब डालो, दूसरे तरफ गीता डालो, वास्तव में वह भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है ही ज्ञान की बात। गीता का भगवान आता ही है सद्गति करने के लिए, तो बच्चों की बुद्धि में यह सब रहना चाहिए, फिर कोई समझे न समझे अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी, इस ज्ञान यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परमपिता परमात्मा, पतितों को पावन बनाने वाला है कि एक परमात्मा न कि श्री कृष्ण, वह तो प्रिंस है, उनको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं, श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है तो उसको फादर कैसे कहा जाए, लॉ नहीं कहता। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तब फादर कहा जाए, वह तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं, वह कभी गृहस्थ में आते नहीं, सदा पवित्र हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है, प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते हैं मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए, वर्ण भी मुख्य है, चक्र में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा, उन्होंने ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है, कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं, उनसे जास्ती क्षत्रिय, उनसे जास्ती वैश्य शूद्र, तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी वह बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया है खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले, दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है, अमृत वेले का समय गाया हुआ है, उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती है, वह है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उत्कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है, तो कोई भी आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। निराकार बाप टीचर के रूप से हमको सहज राजयोग सिखा रहे हैं, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इन्हों को निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवान उवाच भी बरोबर है तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा, कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले युक्ति से बाप का परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा,
जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर न पड़े तब तक कोई समझ न सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई कोई लिखते हैं भगवान निराकार है तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते हैं कि हम जानते ही नहीं, अरे तुम माँ को नहीं जानते हो, परमपिता परमात्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परमपिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा, सो भी समझकर विघ्न डालते हैं। बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं, वह तो सारी दुनिया बेसमझ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मातपिता बाप दादा का याद प्यार, इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले मातपिता फिर बाप दादा। मातपिता उनको कहा जाता जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर यह हो गए बाप दादा। फिर कहते जगदम्बा, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सबसे गुह्य पहेली यह है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए। फिर कहते हैं सिकीलधे, यह है दूसरी पहेली। फिर कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, यह भी नई पहेली है। एक एक बात में पहेली है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, अमृतवेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। दो, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धियोग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान, बिंदु रूप में स्थित रह सारयुक्त योगयुक्त युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सारयुक्त योगयुक्त युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों, क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा इसलिए बिंदु रूप में स्थित रह सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। कृपया आज की मूर्ति पर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।